आ जा भैया। तो इस वीडियो में भैया हम शाम को बाहर घूमने निकले हैं, देखते हैं कि भैया रोड पे कोई चीज़ मुफ्त में रोड पे कोई रखी है कि नहीं रखी है भैया। लेकिन इससे पहले बता देता हूँ कि जो मेरा गांव है उसके बाजू में जो दूसरा गांव है वहाँ पे ये पुराना रेलवे स्टेशन है, जैसे इंडिया में पुराना रेलवे स्टेशन होता है भैया वैसा ही। भैया यहाँ पे बहुत ही छोटा गांव था, बहुत ही पहले यहाँ पे जब ब्रिटिश लाइनें चलती थी तो ये रेलवे स्टेशन की एक अलग ही शान हुआ करती थी भैया। देखा अभी ये रेलवे स्टेशन पूरा का पूरा बंद हो गया भैया। देखिए यहाँ पे ट्रेन आती है लेकिन खड़ी नहीं रहती भैया, यहाँ पे ब्रॉडगेज की ट्रेन है जहाँ के यहाँ पे इंडिया में होती है वहाँ पे। अभी हम लोग हाईवे पे चलते हैं भैया, यहाँ पे कोई रोड पे मुफ्त की चीज़ रखी है कि नहीं रखी है भैया, पूरे गांव में चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे रोड पे कैनेडा में मुफ्त में कैसा कैसा माल मिलता है भैया। तो अपनी ये धनों की सवारी करके भैया हम लोग चलते हैं भैया अभी, और आशा रखते हैं कि आपको हम ऐसा कुछ दो तीन चीज़ मुफ्त में दिखाए। तभी हम लोग हाईवे से निकल रहे थे और मैंने रोड के साइड में भैया फ्रिज पड़ा हुआ देखा, तभी मैंने यू टर्न मारा भैया और गाड़ी घुमा के मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे भैया मुफ्त का सामान कैसे मिलता है रोड पे भैया। तो देखिए उस रोड के साइड में दिख रहा है वाइट कलर का भैया, वो फ्रीज़र है, किसी ने मुफ्त में डाला था। हम लोग फिर से यू टर्न मार के उसके पास ले जाके मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पे भैया यू यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लोग मुफ्त में सामान क्यों छोड़ देते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझाता हूँ। देखिए भैया ये हम लोग आ गए रोड पे, अच्छी तरह उसको पार्किंग कर लेते हैं नहीं तो पुलिस टिकट विकट दे देगा भैया। तो हम लोग पहले अपनी गाड़ी ठीक से लगा देते हैं, पहले जाके हम लोग फ्रीजर का इंस्पेक्शन करते हैं जो मुफ्त में रोड के साइड में पड़ा है भैया। मैं ज़्यादातर है ना भैया सामान ऐसे ही उठाता हूँ भैया, और मैं बताता हूँ यहाँ पे ऐसे कोई आम सामान कोई बुरा चीज़ नहीं होता भैया, ये सामान अच्छे कंडीशन और अच्छे शेप में ही होता है भैया। घर बेचते हैं नहीं तो अपनी उसकी ज़रूरत नहीं है भैया, तो पूरा का पूरा फ्रीज है ना ऐसे का ऐसा भैया रनिंग कंडीशन में रोड पर रख देते हैं। देखिए दिख रहा है भैया ये हाईवे है और हाईवे के पास में ये फ्रिज लगा के रखा है भैया। मैं उस हाईवे से आ रहा था तो मैंने देखा कि ये फ्रिज पड़ा हुआ है रोड के पास में भैया। ये ज़्यादातर है भैया मैं बताता हूँ ये लोग बड़े जेन्युइन लोग होते हैं, आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि ये फ्रिज चालू है कि बंद है। अगर फ्रिज बंद होगा ना भैया तो ये म्यूनिसिपालिटी वालों को फ़ोन करते हैं तो वो आके ले जाता है ट्रक में, वो डम्पस्टर में छोड़ देते हैं और उसका कोई उपयोग नहीं होता भैया। तो फ्रिज अगर रनिंग कंडीशन में हो और उसको रिसाइकल नहीं करना और किसी को मुफ्त में गिना है तो ऐसे घर के सामने ऐसे रख देने का भैया। देखो केबल बेबल उसका देखा कोई काट बात नहीं है, देखा उसकी कंडीशन ये व्हील भी घूम रहा है। देखिए भैया अगर आप उसका मॉडल नंबर डालेंगे तो उसका आपको ईयर व्ययर सब मालूम पड़ जाएगा। अब देखिए मैं आपको इसका फ्रिज का कंपनी का नाम है माइतांग बोंजू, उसको आप अगर डालेंगे ना गूगल में तो मालूम पड़ेगा। देखिए फ्रिज की कंडीशन थोड़ी सी गंदी है भैया, थोड़ा पड़ा है, बाकी उसको साफ़ सफाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही का यही फ्रिज भैया घर में जाके रखेंगे ना एकदम नया बन जाता है, और डबल डोर वाला है, ऊपर फ्रीजर वाला है, नीचे गंदगी है। हमारे बहुत सारे भाई हम तो नहीं ले जाएंगे भैया, हमारे ऑफिस में भी बड़ा सा फ्रिज लगा हुआ है, घर पे भी है। देखो उसने ऐसे साइन छोड़ रखी है यानी किसी को मालूम भी पड़े भैया। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को भैया किसी को चीज़ बेचनी हो ना वॉशिंग मशीन फ्रिज नहीं तो टीवी वीवी ये से अब भैया आपने रोड के है ना पास में नहीं तो हाईवे पे ऐसे ही छोड़ देते भैया, ताकि अगर आपको कोई पसंद आए ना चीज़ तो उठा के सीधा गाड़ी में रख दो भैया। अगर आपकी गाड़ी में फ्रिज फिट नहीं हो रहा है भैया तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं अपने किसी दोस्त में बोलते हैं भैया ट्रक लेके आओ, ट्रक लेके आप जाएंगे ना तो भैया वो आपको आराम से इजीली आपको हेल्प कर देते हैं भैया ये लोग ये फ्रिज भी उठाने के। तो इस तरह से भैया हम लोग पूरा का पूरा मुफ्त का सामान लेता है। अगर आप कैनेडा में आए हैं भैया और मुफ्त में घर बसाना है तो भैया एक दिन में नहीं बसता भैया, आप एक आध महीना तक भैया एक आध गाड़ी लेके खाली घूमिए खाली आप देखिए, फिर आपको कंपैरिजन भी मिलेगा, एक अच्छा फ्रिज मिलेगा एक बुरा फ्रिज मिलेगा, अच्छा फ्रिज उठा लो भैया। क्योंकि आप सब चीज़ अगर रोड पे से लाएंगे ना भैया तो बहुत ही महंगा पड़ेगा, बहुत सारे लोग ऐसे ही भैया यहाँ पे डबल जॉब करके सब चीज़ नई लाएंगे। मैं बोलता हूँ ये फ्रिज वही कंडीशन में है भैया, आपको अगर घर पे जाके चकाचक साफ़ किया ना किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा भैया। मैंने कई बार ऐसा किया है, कई बार भैया ऐसे रोड पे से चीज़ उठा लेने की जब हम नए थे भैया उसको कीजी जी नहीं तो वो फेसबुक है या मार्केट में भैया वही चीज़ों को आप साफ़ सफाई करके बेचेंगे ना भैया तो आप 100-150 डॉलर कमा सकते हैं, ये बहुत बड़ा बिजनेस है यहाँ पे भैया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप कैनेडा आने की सोच रहे हो तो मैंने नीचे में मेरे है ना भैया नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियो डाले हैं कि सेकंड हैंड गराज सेल में से कैसे सब आप मुफ्त के भाव में घर बसा सकते हो,
उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाल रखी है, उधर आप देखिए तो आपको पूरा का पूरा सब अंदाज आ जाएगा। भैया वीडियो अच्छा लगे तो भैया ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमने कनाडा के बारे में बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भैया वीडियो देखने के लिए आपका परदेसी भाई का, आपका यहाँ से मेरा कनाडा से आपको मेरा सलाम।